नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, क्लास एट, लेसन थ्री, पार्ट फर्स्ट, ग्लिप्सेंस ऑफ द पास्ट। ग्लिप्सेंस ऑफ द पास्ट अर्थात ग्लिप्सेंस यानी झलकियां, पास्ट यानी अतीत, अतीत की कुछ झलकियां, ऐसा अपना पाठ है। अब यहां पर इस पाठ के अंदर सन 1757 से लेकर और 1857 तक हमारे देश के इतिहास की कुछ चित्रात्मक झलकियां हैं, जैसे हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857 अर्थात 1757 से 1857 तक हमारे देश के इतिहास की जो जो चित्रात्मक झलकियां हैं वो यहाँ प्रस्तुत की गई है। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन एंड दैट लीड टू इवेंट नॉन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 अर्थात ये चित्र बुलबुलों में लिखे गए कथन जिन्हें उन दशाओं की समझ स्पष्ट करने में मदद की है जो 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक जो घटना हुई थी उससे संबंधित। अब यहाँ पर अपन चित्र देख रहे हैं, चित्र के अंदर पहला जो ऑप्शन है वो है द मार्ट्रीज। द मार्ट्रीज अर्थात इसके अंदर बताया गया है एट ए फंक्शन इन दिल्ली, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज वेल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस एज इंडियाज मार्ट्रीज अर्थात इसमें कहा गया है कि दिल्ली के एक समारोह हुआ था उसमें शहीदों से संबंधित एक गीत लता मंगेशकर द्वारा जो गाया गया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐसा इस पहले झलकियों द्वारा बताया गया है। लता मंगेशकर द्वारा दिल्ली समारोह में ये गीत गाया गया था। अब हमारे सामने ये दूसरा जो चित्र प्रस्तुत हो रहा है द कंपनीज कॉन्क्यूट्स, द कंपनीज कॉन्क्यूट्स अर्थात कहने का मतलब इसमें है कि कंपनी की जीत, कंपनीज कॉन्क्यूट्स कॉन्क्यूट्स यानी जीत अर्थात इसमें कंपनी की जीत बताई गई थी। वो 1757 से लेकर 1849 तक इतने सालों के बीच में ये ऑप्शन चलता है। इसके अंदर जो बताया गया है कि पहला जो यहाँ पर अपन देख रहे हैं भारत का नक्शा, उसके अंदर ये जो पहले की पंक्तियाँ इसमें बताया गया है कि विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सर्टिंग इट्स ओवर इन 18th सेंचुरी इंडिया। उसके बाद में अपन देखेंगे तो इसके अगला जो सीन बताया हुआ है उस सीन के अंदर कहा गया कि इंडिया प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार राजा भाग बोल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफेंड हिम। फिर इसके अंदर नीचे की इसमें बताया गया पीपल हैड नो स्पीच टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और उसके बाद में द रिविलर्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट वुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मार्शियर फाउट द ब्रिटिश टिल द डाइड फाइटिंग। ये अपने अंदर ये जो झलकियों में चित्र बताए गए इसके माध्यम से कहा गया है कि
इसके अंदर हमारे सामने जैसे सुपीरियर सुपीरियर यानी अधिक श्रेष्ठ, ऐसे ही एक्सेटिंग एक्सटिंग यानी फैला या बढ़ाओ, टेरिटोरी यानी क्षेत्र, ऐसे कुछ आए हैं। इसमें ये कहा गया है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपने अधिक श्रेष्ठ हथियारों के साथ 18वीं सदी के भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई। भारतीय राजकुमार अलकदेष्टा थे, वह नया धनी राजा बहा अंग्रेज व्यापारियों को उसे हराने में मेरी मदद की मदद करेंगे। ऐसी लगातार लड़ाइयों के कारण लोगों को शांति नहीं थी और शांति नहीं मिली, और इस प्रतिद्वंदियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद और वे भारतीय राजकुमार एक दूसरे के आसानी से जीत सके। मैसूर को एक दूरदर्शी शासक टीपू अंग्रेजों से लड़ता हुआ अंत में मारा गया। ये उनकी अंग्रेजों की इस प्रकार की चाल थी और आपस में लड़ाने का काम किया और अपने कंपनी की जीत यहाँ पर दर्ज की। अब हमारे सामने तीसरा जो चित्र प्रस्तुत हो रहा है, इसके अंदर भी यही बातचीत है बताई हुई है। कहा गया है कि ये जो है थैंक गॉड देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉच एंड नो नॉटिंग बाई थग्स, इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, हाउ डिड इंडियंस रिकेट टू डीज कॉन्क्रूट्स, अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम, द वाइल्ड मैन हैज किल्ड और डेथ्रोन्ड अवर किंग्स, सम किंग्स वर नॉट गुड आफ्टर ऑल दे वर एट दिस लैंड, नाउ वी हैव बिकम सेल्व्स ऑफ फॉरेंस। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि भारतीयों ने इन जीतों पर कैसी प्रतिक्रिया की, अर्थात भगवान को धन्यवाद अब देश में शांति है, न और अधिक युद्ध, न ठगों द्वारा लूटमार, भगवान ने ही ब्रिटिश लोगों को भेजा है, हमारा भाग्य उनके साथ बन गया है, गोरे लोगों ने हमारे राजाओं को मार दिया है, उन्हें सिंहासन से उतार दिया है, कुछ राजा अच्छे नहीं थे किंतु आखिरकार वे इस भूमि के थे, अब हम विदेशियों गुलाम बन गए। अर्थात उनकी इस प्रकार कंपनी की जीत हो जाती है और हम विदेशियों की पूरी तरह गुलाम बन जाते हैं। अब हमारे सामने आया तीसरा बिंदु, ब्रिटिश रूल अर्थात ब्रिटिश शासन। अभी ब्रिटिश शासन है ये 1765 से लेकर 1836 तक चलता है। अब इसमें कुछ बातें बताई हुई, जैसे ये इसमें बताया गया है कि रिलीजियस लीडर्स प्रेस आइट लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस इन रिलीजियस। फिर बताया गया है कि ऑल द मिजरी इन द वर्ड्स इज ड्यू टू वुमेन। फिर इसके अंदर अगली पंक्ति बताइए कि द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड सेल्फ रेस्पेक्ट द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। फिर अगला इसमें बताया गया है कि द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकेबल ऑफ ऑनेस्टी। फिर इसमें बताया गया है कि ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। फिर इसमें बताया कि बींग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्यूक प्रॉफिट्स देयर हैवी टैक्सेस फर्स्ट फॉरम्स टू अबॉन्डन देयर फील्ड्स, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, यू आर स्टिल इन एरियस, इफ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। फिर इसमें जो नीचे की पंक्ति है ये इनेविटेबली
famines followed between 1872 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. अर्थात जो ये पैराग्राफ जो बताया गया ब्रिटिश रूल का, इसमें ये कहा गया है कि धार्मिक गुरुओं ने छुआछूत और बाल विवाह जैसी बातों पर धर्म उपदेश दिए। अर्थात जो हमारे धार्मिक गुरु थे उन्होंने छुआछूत बाल विवाह ऐसी बातों पर धर्म दिया कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी समुद्र पार जाता है वो अपना धर्म खो देता है। संसार में सब दुख महिलाओं के कारण है। सच्चाई तो ये है कि भारतीय अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। अंग्रेज उनका उपवास करते थे, अर्थात अंग्रेज उनका फायदा उठाते थे। देशवासी विश्वास करने लायक नहीं थे, अर्थात एक दूसरे का विश्वास भी नहीं करते। धोखेबाज ज्यादा होने लग गए थे। दूसरा, ईमानदार के योग्य भी नहीं थे। ये भी एक प्रकार से विश्वासघात हो रहा था। व्यापारी होने के नाते ब्रिटिश तुरंत लाभ चाहते थे। उनके भारी करों के कारण किसानों को अपने खेत छोड़ने तो विवश होना पड़ा। लेकिन आपके आदमी मेरी पूर्ण फसल ले जा रहे हैं, तुम अभी इतना पिछला बकाया है, यदि अगले सप्ताह तक नहीं चुकाओगे तो तुम्हें जेल भेज दूंगा। इस प्रकार के भी लोगों को यात्राएं देना प्रारंभ की गई। लोगों को परेशान करना शुरू किया गया। उनको ऐसी यात्राओं द्वारा भी दिया गया कि अगर किसी प्रकार का आपने टैक्स नहीं चुकाया तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। ऐसे ही इसी के अंदर फिर अगला हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो बताया गया है इस चित्र के माध्यम से, जैसे हम देख रहे हैं इस चित्र में, तो स्टिल द ब्रिटिश लेनेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's leave began to cripple Indian's industries. The British politicians ruled the expert artisans and their business. अर्थात इसमें कहा गया है, ये जो अपन ने चित्र के माध्यम से अभी देखा तो इसमें बताया कि अंग्रेजों ने और भी तरीके खोज लिए जो उन्हें अधिक लाभ दे। इंग्लैंड में बना सामान भारत में लाया जाए, उन पर आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए। अच्छा विचार है, माल इंग्लैंड में बने परंतु भारत में उस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योगों को रोकना शुरू कर दिया। अनिवार्य रूप से अकाल भी पड़े 1822 से लेकर 1836 तक। 15 लाख भारतीय भूख से मर गए। जो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि 1822 से लेकर 1836 तक 15 लाख भारतीय भूख से मर गए। ब्रिटिश नीतियों ने निपुण शिल्पकार और उनके व्यवसाय को नष्ट कर दिया। इस प्रकार का और 1765 से लेकर और 1836 तक उनका इस प्रकार का आतंक रहता है भारत के अंदर। अब अगला देख रहे हैं राम मोहन राय, अर्थात राजा राम मोहन राय जो हुए थे वो 1772 से लेकर 1833 तक उनका कार्यकाल रहता है राजा राम मोहन राय का। अब राजा राम मोहन राय जो पहला बता रहे हैं कि राजा राम मोहन राय लर्न मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट रॉन्ग विद द कंट्री। फिर उन्होंने बताया कि लेट्स नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ, अवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। वी मस्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी। सुपरस्टिशन हैव बीन रूलिंग अस। फिर इसमें बताया कि ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, काउज आर डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द इंसेंस ऑफ एवरी लेजर इज द सेम। अर्थात इसमें जो राजा राम मोहन राय
1772 से 1833 तक कि इसमें बताया गया कि बंगाल के एक शिक्षित व्यक्ति राजा रघुवंश राय जी थे, देश में क्या गलत था वो उनको जानकारी था। हमें स्वयं को भी हीन नहीं मानना चाहिए, हमारी प्राचीन संस्कृति महान है, हम अधिक बड़ी उपलब्धि या प्राप्त करने में समर्थ है। सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए, अंधविश्वास हमें तबाह कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा कि गाय विभिन्न रंगों की होती है। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि गाय विभिन्न रंगों की होती है पर उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। इसी तरह विभिन्न धर्मों से गाय अलग है किंतु हर धर्म का सार है वो सेम है, अर्थात एक है, ऐसा उन्होंने एक संकेत के माध्यम से समझाया। फिर इसमें अगली जो बात उन्होंने बताई कि ये जो है He was erected by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. फिर उन्होंने कहा He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there, he told them. We accepted you as rulers and you must accepted as the subject, but you must remember the responsibility a ruler honor his subjects. फिर बताया कि started newspaper but the suspicious British stopped them in 1873. अर्थात इसमें फिर अगली बात उन्होंने बताई कि वह विज्ञान और आधुनिक शिक्षा की तरह आकर्षित हुए, शिक्षा व्यवहारिक एवं विज्ञान आधारित होनी चाहिए। उन्होंने अखबार शुरू किया परंतु अंग्रेजों ने 1823 में उन्हें रोक दिया। वे समुद्रों को पार करके इंग्लैंड आ देखने की क्या चीज ब्रिटिश लोगों को शक्तिशाली बनाती है। वहां उन्होंने उनसे ब्रिटिश लोगों से कहा कि हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, हमें प्रजा के रूप में संपूर्ण भारत को जीत लिया, भारतीयों को जरूरतों की ओर जरा तो स्वीकार करना चाहिए, मैं भी प्रजा के रूप में स्वीकार आपको करना चाहिए, लेकिन आपको एक शासक के रूप में अपनी प्रजा के प्रति दायित्व के बारे में याद होना चाहिए। ऐसा हमने चार बिंदुओं के अंदर पढ़ा। फिर आती है डिफिकल्ट वर्ड, जैसे पिक्टोरियल अर्थात चित्रात्मक, ग्लिम्सेस यानी झलक, टेरिटोरी यानी क्षेत्र, प्रीच यानी धर्मोपदेश करना, लर्न्ड यानी शिक्षित और सब्जेक्ट यानी प्रजा। फिर आते हैं मोस्ट पॉइंट्स, अर्थात हमको अपने को इस कॉपी के अंदर करना है कि इस बिंदु से, जैसा पहला है द मार्टिर्स यानी शहीद, द कंपनीज कॉन्क्वर्ट्स यानी कंपनी की जीत, ब्रिटिश रूल अर्थात ब्रिटिश शासन, राम मोहन राय 1772 से लेकर 1833 तक, ये चार बिंदुओं के बारे में पढ़ा। इस बिंदुओं को अपनी कॉपी में करना। फिर अगली बात आती है ग्रामर के रूप में चैन द नंबर, जैसे पिक्चर तो बन गया पिक्चर्स, बबल बबल्स, स्लेव स्लेव्स, सी सीज। फिर आते हैं प्रीपोजिशन, यहाँ पर बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, जैसे इनिविटली फेमिनस फॉलोड बिटवीन 1872 एंड 1836 15 लैक्स इंडियन डाइट फॉर स्टारवेशन। ऐसे बाय योर एंड का भी हुआ है, ही वाज इरेक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। उसके बाद में अब आपके पास में कुछ होमवर्क से संबंधित है, अर्थात गृह कार्य के रूप में आपको भी मैं करना है, जिसके अंदर चार प्रश्न है। जैसे पहला है हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, ये प्रश्न हमको पूछा गया है कि हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, अर्थात कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमार को किस प्रकार वश में किया, इसका कारण हमको लिखना। दूसरा है क्यू टू वर्ड्स यूज बाई राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजियस टीचर्स द सेम प्रिंसिपल्स, अर्थात इसको राजा राम मोहन द्वारा प्रस्तुत उन शब्दों को लिखिए जो कहते हैं कि हर धर्म समान सिद्धांत सिखाता, अर्थात उन्होंने जो अपनी पत्नी को जो कारण बताया था वो लिखना गाय के दूध के बारे में।
तीसरा है इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लोर्ड इंडियंस। तो इसमें प्रश्न ये है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने किस प्रकार भारतीयों को उत्पीड़न किया। चौथा है द रूलर हु फाउट पिक्स्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश डाइड फाइटिंग, अर्थात वह शासक जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और लड़ता हुआ मारा गया। इस प्रकार ये जो टिपिकल वर्ड है